जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र सुरा समासते सुरा हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सतो धवतो वही। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए, हरि संकीर्तन करते करते हमारा शरीर छूट जाए, इसी में परम मंगल है। हरि कथा हरि कीर्तन हरि कीर्तन करते करते अगर हमारा शरीर छूट जाए, इसी में चरम मंगल है। किसी भी हालत किसी भी अवस्था में हरि भजन को नहीं छोड़ना। हरि भजन छोड़ देने से सारे अमंगल आपको घेर लेंगे। वास्तविक विचार ये है, जो गुरु वैष्णव छोड़ के किसी का हृदय में शुद्ध गुणावली का कोई दर्शन नहीं होता। शुद्ध गुरु वैष्णव का अंदर जितना साले शुद्ध गुणावली रहता है, बाकी आम आदमी का अंदर ये संभव नहीं। मनोरथेन असतो धवतो वही, तमाम दुनिया क्या कर रहे हैं, भले मन की जो रथ है, मन की जो रथ है ये रथ में सवार होकर, मन की जो रथ है ये रथ में सवार होकर तमाम दुनिया दौड़ रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंधो पांचों समान है, पांचों विषय है, जिसका पीछे तमाम दुनिया दौड़ रहा है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो दिखाई पड़े कि ये पांचों चीजों का पीछे नहीं दौड़ रहा है। एक शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़ के सब ये पांचों का पीछे दौड़ रहा है। शास्त्रों में इसको बोला गया, इसका नाम है पांचाल क्षेत्रों, इसका नाम है पांचाल क्षेत्रों। पांचों भोगने वाला जो चीज है ये सब मिलेगा इधर, इन चीजों में भाग रहा है। जब तक विषय में भागते रहेगा मन, तब तक हरि भजन का कोई बात ही नहीं पैदा होता, संभव नहीं। और शुद्ध गुरु वैष्णव का अंदर जो गुणावली है, वो गुणावली बाहरी कुछ किसी बाहर का आदमी का अंदर संभव नहीं है। अकिंचना भक्ति जिसका अंदर में है, अकिंचना भक्ति का मतलब, अकिंचना भक्ति का मतलब एक शब्द में बोला जाए, तुम्ही तो अमार आमी तो तुमार की काज अपरोधने, बस हो गया। ये शब्दों को व्याख्या करो तो इसका अंदर में पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तुम हमारा हो हम तुम्हारा है ठाकुर जी, यही संपत्ति, और किसी संपत्ति का कोई जरूरी है नहीं। ठाकुर जी को ही संपत्ति मन के जिंदगी में भजन कर रहा है पूरा जिंदगी, वो अकिंचना भक्ति, निष्किंचन भक्ति, जिसका कोई संचय नहीं है, किसी विषय के ऊपर भरोसा नहीं है, इसको निष्किंचन बोला जाता है। श्रील परीक्षित महाराज जी का जन्म प्रसंग में काल कुछ बताया था, और हरि कथा सुनते सुनते कीर्तन करते करते हमारा शरीर छूट जाए, ये बात तो श्रील परीक्षित महाराज जी का जिंदगी में
যত পরীক্ষিত সাক্ষী শ্রবণগত মুক্তি উক্তি কথনে, যত পরীক্ষিত সাক্ষী শ্রবণগত মুক্তি উক্তি কথনে, আপ তুম উদাহরণ চাহতে হো কো দেখ লো, পরীক্ষিত মহারাজ কো দেখ লো কেসা হ্যা। পরীক্ষিত মহারাজ সংকীর্তন করতে করতে হরি কথা ফির আপনা শরীর কো ছোড় দিয়ে, ইসি মে পরম মঙ্গল কি বাতে হ্যাঁ। পরীক্ষিত মহারাজ অভি কাল চর্চা হুয়া থা, কাল ইস তক চর্চা হো পায়ে, ये युधिष्ठिर महाराज आदि पांच पांडव सारे चले गए राज्य राजधानी को छोड़कर, और महाराज परीक्षित जी को राजगद्दी पर बैठाकर चले गए, राज सिंहासन पर बैठाए, अभिषेक करवाए, मुकुट डाले, और फिर उसको वहाँ का राजा बना के फिर सब चले गए। उपनिषद देखो, वेद का विचार देखो, उपनिषद देखो, पहले जमाने में ऐसे ही हुआ करता था। और आएगा देखो प्रसंग, हो जितना सारे पहले का राजा है महाराजा है, कितना बड़ा बड़ा आदमी, सब समय आने से अपना सारे जिम्मेदारी सब सौंप के फिर चले जाते थे। 60 साल की उम्र तो कंपलसरी था पहले, जो 60 साल का उम्र हो गया तो रहना ही नहीं है संसार पूरा, है 100%। अब तो कोई अब तो ये सब विचार नहीं है। उपनिषद देखो, उसमें 60 साल हो गया तो कोई कुछ भी हो जाए बस वो चले जाएगा, वानप्रस्थी होके चले जाए, नियम था पहले। आजकल नियम नहीं, कुछ नियम नहीं। और उसका बाद संन्यास लेने का इच्छा है तो संन्यास भी ले लेते थे, पहले का यह नियम था, आज ये सब नियम नहीं। कितना भी राजा देखो, परीक्षित का बात छोड़ो, अब जितना राजा देखो, युधिष्ठिर महाराज को देख लिया, बाकी देख लो सारे, जितना सारे देखोगे सब, भरत महाराज आएगा, प्रसंग आएगा, सारे ये सब जो महाराज लोग हैं सब, पिथु महाराज भी, अम्बरीश महाराज, सारे समय आने से अपना राज्य राजधानी को छोड़कर बस चले जाते, ऐसा नियम था। ऐसा ही है, बाद में परीक्षित महाराज जो राजगद्दी संभालना शुरू कर दिया, बड़ा सुंदर राजा। ये कैसे संभव है, हम लोगों का अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारा घर में पांच मेंबर है, पांच मेंबरों में एक मेंबर दूसरे का बात सुनते ही नहीं, पिताजी का बात कौन सुनता है, सुनता ही नहीं। समाज में देखो अवस्था अव्यवस्था फैले हुए हैं, कोई किसी का बात सुनता नहीं। लेकिन ये कैसा जादू है कि सप्तदीप अधिपति पिथु महाराज जी पूरा तमाम पृथ्वी का अधीश्वर राजा, सात द्वीप का अधिपति पिथु महाराज, अम्बरीश महाराज, अब चिंता होनी चाहिए कि कैसे संभव है। ये सब राजा जो है सारा पृथ्वी को कैसे कंट्रोल करते थे, और हमारा घर में दो मेंबर है, तीन में वो उस मानता नहीं, बीवी घृणा करता है स्वामी को, स्वामी घृणा करता है बीवी को, दूसरा जगह जाता है, अव्यवस्था फैले हुए, कोई कंट्रोलिंग नहीं। और पहले जितना राजा था वो उस राज का कितना पावर था, इसका पीछे कारण क्या है, हमको अगर कोई पूछे कि कारण का है, कैसे संभव था हैं? विश्व शांति संस्था का स्थापना हुई, विश्व में शांति आई क्या, उनसे कुछ नहीं है, आएगा नहीं ना, क्योंकि वो जो विश्व शांति संस्था स्थापना किए, एक एक उसका मेंबर का विचार देखो, उसका घर में ही शांति नहीं, उसका जो डायरेक्टर है विश्व शांति संस्था का, डायरेक्टर जो है
और डायरेक्टर का घर में बीवी दूसरा जगह चला जाता है, लड़की दूसरा जगह जाती है। अपना घर में कोई शांति नहीं तो दूसरे का शांति कैसे लाए? पहले तो अपना जिंदगी में व्यवस्था करो। हम हर भक्तों को जहां मठ मंदिर है सब जगह हमको दुश्मन समझता है। हम एक ही बात बोलता है, ट्राई टू गेट कंट्रोल ओवर योर कैरेक्टर, आई मीन माइंड। पहले चरित्र ठीक करो, स्वभाव ठीक करो, मन को ठीक करो, फिर भक्त बनना। भक्त बनना बाद में, भक्तों कोई मामूली बात नहीं है। हम ये विनती करता है पहले ठीक करो सब, उसका बात करोगे सब। साधु संग होने से सब हो जाता, लेकिन करता ही नहीं साधु संग। तो ये जो बात है कैसे संभव था, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, पिथु महाराज, जनक महाराज, ये सारे जो है पूरा तमाम दुनिया को जो कंट्रोल करते थे, इसका पीछे कारण क्या है? हम बोले एक ही कारण है, भक्ति था, अनन्य भक्ति हृदय में। भक्ति जो है यही शक्ति। आप सोचते हो कि शरीर का ताकत है, पैसा का ताकत, ये तो ताकत नहीं है। भक्ति जो है इसी को शक्ति बोला जाता है, वास्तव शक्ति यही है। भक्ति के द्वारा ही भगवान बस में आ जाता है। पूरा दुनिया का बात तो छोड़ो, पूरा दुनिया का बात तो छोड़ दो, स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक वो भी बस में आ जाता है ना। अहम भक्त पराधीन, मतलब क्या हुआ? तो साक्षात भगवान जो कंट्रोल में, कौन कंट्रोल करे उसको? अनंत ब्रह्मांड का मालिक, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, संभव है। लेकिन भक्ति होनी चाहिए, भक्ति नहीं है तो कैसे हो? ब्रजवासी लोग का कितना प्रीति है, जो कृष्ण को दर्शन करने के लिए यद्यपि समाधिसु विदुर पिपस्वती न तब, हाँ ये जो कीर्तन करते हो, हाँ ये जो कीर्तन करते हो रूप गोस्वामी पाद का, दर्शन ही नहीं होता ब्रह्मा शंकर आदि। और वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भगवान श्री कृष्णों का साथ ब्रज गोपियों का कितना सुंदर रिलेशन, ग्वाल वाल का जितना सा ग्वाल बालक है, सब कृष्णों का साथ खेल कूद करता है। ए तू हार गया, हमको हमको ले ले अभी, और कांध में ले लिया कृष्ण, उसको कांध में चढ़ाया और अपना पैर देके कृष्ण का बक्ष में ऐसा ऐसा कर रहा है, पैर देके कृष्ण के ऐसा ऐसा कर रहा है। सोचो क्या बात है, जो दोस्त है भागवत में है, बना बना के नहीं कह रहे हैं, लिखा है भागवत में, सीदामेन पराजित है। श्रीराम सीदाम बोले हार गया तू, ऐसा तो नियम था, तू हार गया चल हमको लेके चल उतना सा, तो हार गया तो ठीक है, हम हार गया तो आ जा कांधे में, ऊपर में चढ़ा लिया और जाना शुरू कर दिया सीधाम पैर दे के, ऐसा ऐसा गाना था, माथा में बजा रहा है ऐसा ऐसा कृष्णो को साक्षात, इसका नाम है कृष्ण। तो ये भगवान का जो भक्ति है महाराज, एक बूंद अगर कोई भक्ति चाक ले वो मरते दम तक तो छोड़ो, मरने का बाद भी छोड़ेगा नहीं। सुना तो ये रूप गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु इलाहाबाद में बैठकर इस रूप शिक्षा, रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे, तरह तरह के विचार, भक्ति का जो एक एक तरह तरह के विचार पेश कर रहे, प्रस्तुत कर रहे, और इसमें सूक्ष्म विचार है। भक्ति भी एक किस्म का नहीं है, हनुमान जी की भक्ति, पांच पांडवों का भक्ति, कुंती देवी का भक्ति, उत्तरा का भक्ति, सारे एक है क्या? ब्रजवासी का भक्ति, अक्रूर भगवान का भक्ति, अक्रूर जी का भक्ति, उद्धव का भक्ति, सब एक है? एक नहीं है, नाम तो भक्ति है लेकिन तरह तरह की भक्ति की विभाग है, सेग्रीगेशन। इसका जो टेस्ट है, इसका जो सेंसिटिविटी है, सब एक एक अलग अलग सा विचार है। भक्ति का एक एक फाइन सेंसिटिविटी है, एक एक तरह तरह के टेस्ट है। ललिता का भक्ति, विशाखा भक्ति, राधा रानी का भक्ति,
चंद्रवली सब अलग अलग है, सब टेस्टफुल है। और कृष्णो ये सब भक्ति को टेस्ट करता है कैसा है, अभी चाख के देखे इसका भक्ति कैसा है। और साक्षात कृष्ण वस्तु, साक्षात वही कृष्ण, वही कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य, वही श्री कृष्ण चैतन्य इलाहाबाद में गंगा का किनारे बैठकर रूप गोस्वामी पाद जी को ये सब भक्ति का बारे में, भक्ति का वो कैसे शुद्ध भक्ति का बारे में बहुत सारे उपदेश कर। और अंतिम में बताए रूप, हम अनंत समुंदर जो है कृष्ण है, अनंत रूप रस का समुंदर, कृष्ण है अनंत रूप रस का समुंदर। और समुंदर का किनारे खड़ा होकर मैं एक बूंद तेरे को चखा रहा हूं। हे रूप सुन लो, ये जो अनंत कृष्ण है अनंत रूप रस का समुंदर है, अनंत रूप रस का, मैं ये सागर की तट पर खड़ा होकर एक बूंद वो अमृत लेकर रूप को बोला, रूप तुम थोड़ा चाख लो, जवान ध्यान दे दे, ऐसा बोला। हम तो पूरा बोल नहीं सके क्योंकि अनंत भक्ति है, हरि अनंत है। ऐसा करके रूप गोस्वामी को दिग्दर्शन कराए। आप बोले हमारा संभव भी नहीं है, ठीक है चलो। रूप बोले तो आपका चरण जो है हमारा मस्तक पर दे दो, तो भक्ति का जो विभाग है ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे, लिखेंगे। अब अगर कृपा नहीं करोगे तो हमारा संभव नहीं है। तो महाप्रभु आशीर्वाद करके बोले, रूप तुम जाओ, जब जब जो कुछ करने का विचार मन में आए तब उसी वस्तु को, वस्तु का स्फूर्ति हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं कि जब जो चीज लिखने का तुम्हारा इच्छा होए तब कृष्ण तुम्हारा हृदय में स्फूर्ति करा देगा, कोई चिंता नहीं, जाओ लिखना शुरू कर दो। सनातन गोसाई के बोले जाए श्रुति श्रुति को लिखो इस बारे में, और रूप गोसाई के बोलो भक्ति का तरतम विचार ये प्रस्तुत करो, जाओ तो दुनियावास जगतवासी को पता चले कि भक्ति कैसा चीज है, अनन्य आनंदमय चीज। अभी परीक्षित महाराज जो है राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, पूरा तमाम जुगिया तमाम दुनिया उसका उसका चरण पर चरणों पे सर झुकार है। इतना बड़ा राजा है, धार्मिक है, भक्तिमान है, सबसे बड़ा चीज भक्तिमान है। और अभी सनकादि ऋषि जो है सुतदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण नित्य धाम को चले गए इस जगत को छोड़कर, युधिष्ठिर महाराज आदि तो फिर भी चले गए, सब पांच पांडव सब चले गए। और उसी वक्त जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस जगत से नित्य धाम को चले गए, उसी समय इंस्टेंट कोहली कब्जा करने के लिए आया इस जगत में। कृष्ण जिसी वक्त कृष्ण नित्य धाम को चले गए उसी टाइम क्या हुआ, उसी टाइम तुरंत कली बदमाश कली आए ये जगत पर कब्जा करने के लिए, इतना बदमाश है। जब तक कृष्ण उपस्थित थे कृष्ण का चरण तो कुछ कर नहीं पाए, अब बड़ा बदमाश। और निपो लिंग धरम शूद्रम घ्रंतम गोमिथुनम पदा, और ये कली दिग्विजय करने के लिए निकला, उसको मालूम नहीं है कि परीक्षित महाराज अभी भी है, इतना बोखा है। वो क्या क्या, निजो ग्राहो जसा बीरह कलिम दिग्विजय कचित नेपो लिंग धरम शूद्रम घ्नंतम गोमिथुनम पदा। गोमिथुन मतलब एक वृष, एक वृष है और एक गोमाता, ये दोनों को जाके पैर देके लाठी लगाता है दुम दुम करके, ऐसा गोमिथुनम पदा
लाथी लात लगा रहे, और ये निपो लिंग धर्म राजा का बेस बनाया है, तो शूद्र कली तो शूद्र है ना। और शूद्रों का व्याख्या क्या है, शूद्रों का व्याख्या क्या है, जो शोक करता है। जो लोग हर वक्त शोक करते रहते हैं, हमारा जिंदगी में ये नहीं हुआ नहीं, वो शोक करते हैं हर वक्त, उसका अंदर में एक एंग्जाइटी है, शोक है, अफसोस है, वो शूद्र है। ये नियम है। और ये जो कली है, कली शूद्र है। कली का नाम, कली ऐसा है, कली का प्रभाव से जगत में एकदम पाप छा गया है। कली का, कली अभी 5000 साल हुआ है, कली आया है, 5500 भी होगा नहीं। ये पांच, ये जो कली है, ये अभी कली इतना प्रभाव विस्तार किए जे मानो कि जीना असंभव है। चारों ओर कली का प्रभाव, एक दूसरे का साथ लड़ाई, दूसरे का संपत्ति का हड़प कर लो, दूसरे को धोखा दे दो, मार खून करो, हिंसा करो, विद्वेष करो, ये चलते रहता है, हर वक्त चलते रहता है। ये कली का प्रभाव है, कोई कारण नहीं है। भाई भाई में लड़ाई लग गई, अरे बाप रे बाप, दोस्त दोस्त में लड़ाई लग गया है, धूम धाम। सिला भक्ति वाला तित्त गुस्से में कहते, हम भी कहते भले आजकल इस जमाने में संतों लोगों में भी कली प्रवेश करेगा, अगर ठीक ठाक भजन ना करे तो, सही भजन करे तो कली नहीं प्रवेश कर पाएगा। कली प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक भजन करे, लेकिन अगर भजन ना करे तो उसका अंदर भी कली आएगा, फाइटिंग होगा। इसका कारण बोल, इसका कारण हम बताएंगे। बोल क्यों, बोले परीक्षित महाराज का जो प्रसंग है आएगा अभी। परीक्षित महाराज कली को क्यों नहीं मारा, इसका प्रसंग है, हम इसमें उत्तर दे देंगे। क्यों साधु संतों में भी कली आना शुरू कर दिया, क्यों, बोले अगर भजन ना करे तो, अगर सावधान है हर वक्त एकदम, जैसे हम उदाहरण दिया था ना, एक कैला को आंख में डाल के रखो तो हर वक्त एक कैला का टुकड़ा को, कैला का टुकड़ा को आंख में डाल के रखो तो कालापन चला जाए हर वक्त लाल। लोहे का टुकड़ा काला है, आंख में डाल के रखो तो लाल है। तो जब तक आंख का साथ संबंध है, आंख में आंख का अंदर है, तब तक लाल है, लेकिन उसको निकाल कर बाहर कर दो लोहे का टुकड़ा को, आधा घंटा में फिर से कालापन आ जाएगा। ऐसा ही जीवात्मा है, सारे जीवात्मा। जब तक गुरु वैष्णवों का साथ, गुरु सेला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रकरण केशव गोस्वामी महाराज, श्री बामन गोस्वामी महाराज, श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज, ऐसा बड़ा बड़ा संत महात्मा, ये जो साधु संतो है, जोर जबरदस्ती पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो बस हो गया, उसी समय तुम्हारा दिल कली ग्रास कर ले। हाँ, कोई नियम, कोई उपाय नहीं, उपाय नहीं है। अब कली का प्रभाव के द्वारा एक दूसरे में लड़ाई लग जाएगा, एक दूसरे का संपत्ति को हड़प कर ले। और साधु संतों का तो नियम ऐसा है कि एक पैसा भी कोई साधु संतों का हरण करने का विचार मत करो। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले, एक पैसा चालाकी करोगे तुम एकदम खत्म, आग जैसा है। इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिया द्वारिका में, जैसा सारे पोता पोती सब है ना, सब पोता लोग जो खेल कूद करते करते, उस समय प्रमाण दिया, एक पैसा भी कोई गुरु वैष्णव का हरण कर लिया उसका हालत बहुत खराब है, जल के शेष हो जाएगा, उसका हिम्मत नहीं है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बहुत पहले इसको लिख दिया कि
जे साधु गुरु वैष्णव का एक पैसा भी हरण करने का कोशिश मत करो। जड़ जगत का जो चोर है, बदमाश है, कभी इसका मंगल हो सकता, लेकिन जो गुरु वैष्णव का एक चीज भी हरण करे उसका कोई मुहा मुश्किल है। जो भी है, अभी देखो कली प्रभाव विस्तार कर रहा है। कोली अपने को समझ के रखा है कि हम किंग बन गया, हम राजा मस्त एकदम, और दिग्विजय करने के लिए निकाले हैं, और कली जो है राजवेश पकड़ लिया, राजवेश ले लिया करके जा रहे हैं। जहां जहां धर्म का प्रभाव है तहां तहां जाके एक लात लगा रहा है, ऐसा उसका विचार है। जहां जहां धर्म का भाव है, जहां साधु संत है, नाम है, विचार है, शुद्ध नियम है, सारे जगह कली जाके कली विनाश कर दें, कली टिकने नहीं देंगे। शुद्ध आचार में कौन है बोलो? अपना शुद्धता जो है वही बजा, उसको वही मेंटेन करना मुश्किल है, तो क्या करें फिर? अब इसलिए परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज क्यों कोली को नहीं मारा? मारने से अच्छा होता, कोली को मार डालते तो अच्छा होता, ये प्रश्न किया। बड़े इधर सनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, कशो हेतोर निज ग्राह कोलिम दिग्विजय निपहा, दिग्विजय निपहा निदेव चिन्ह धृक शूद्र को असो गांग जो पदा अहना। बलचिन ये जो कसो वह है तो की कारण, किस कारण कोली को खत्म नहीं किया? कोली को खत्म कर देते तो समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन कोली को खत्म क्यों नहीं किया? कसो हेतोर निजो ग्राह कलिंग दिग्विजय निपो। ये जो कोली दिग्विजय करने के लिए निकाला है, और यहां सनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कोली को शासन क्यों नहीं किया, मारा क्यों नहीं? मार दे तो अच्छा होता। इसका उत्तर दिया, इसका उत्तर दिया, बोले देखो ये परीक्षित महाराज जो है, इसका बारे में शास्त्रों में बताया गया भागवत में, ये परीक्षित महाराज कोई साधारण आदमी नहीं है। परीक्षित महाराज के बारे में बताया गया कि वो सारंग इव सारभुक, सारंग इव सारभुक। बोले महाराज मारा इसलिए नहीं कि परीक्षित महाराज बड़ा महाभागवत है, और सारंग इव सारभुक, वैष्णव जो है, परमहंस जो है, दोष नहीं दर्शन करते, सबका अंदर में गुण ले। परमहंस वृत्ति क्या है? हंस वृत्ति, परमहंस वृत्ति है जैसे दूध और पानी मिला दोगे तो दूध को ले ले, पानी रह जाएगा। दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं है, किसी का अंदर ये क्षमता नहीं है। ठाकुर जी का क्या खेल है? ठाकुर जी एकमात्र हंसों का, परमहंसों का अंदर ऐसा क्षमता दे दी जी, ये दूध और पानी मिला के रख दो, दूध को ले लेंगे, कैसा संभव है? असंभव बात, ऐसा पावर है कैसे संभव है? ऐसा परमहंस वृत्ति वाले जो गुरु वैष्णव है, ये 11 स्कंद में चर्चा आएगा। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वा अनपेक्षक सलिंगान आश्रम त्यक्ता चरित अविधि गोचरा, दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स। शुद्ध गुरु वैष्णव जो है ये क्या है? बोले ज्ञान निष्ठ विरक्तो वा मद भक्तो वा अनपेक्षक सलिंगानम आश्रम त्यक्ता चरित अविधि गोचरा। आइए परीक्षित महाराज तो महाभागवत है ही है, भागवत में 3-4 जगह लिखा हुआ है, और फिर भी राजा का वेश में है, तो राजा का वेश में तो क्या हुआ? किसी भी अवस्था में रहे, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, पिथु महाराज, किसी भी अवस्था में रहे, जनक महाराज क्या जनक महाराज राजा की अवस्था में, लेकिन जनक महाराज की माफिक तत्व ज्ञान आज तक पैदा नहीं हुआ। जनक महाराज तो राजा है ना,
लेकिन जनक महाराज के ऊपर कोई तत्वज्ञानी है? ये सुखदेव गोस्वामी को परीक्षा के लिए जनक महाराज के पास भेजा गया था, मालूम ही नहीं किसी को। ये सब बहुत सुंदर प्रसंग है, क्योंकि जगतवासी आरोप लगाएगा जी व्यासदेव गोस्वामी बड़ा भाड़ू चालू है, अपना लड़का को ही भागवत सिखाया, किसी को तो सिखाया नहीं। आरोप लगाएगा अपना लड़का को सिखाया, तो व्यासदेव गोस्वामी सोचे कि ये आरोप लगाने का पहले क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम ये लड़का को भेज दे किसका पास, जनक महाराज के पास। जनक महाराज से इस सर्टिफिकेट लेके आ गए तो उसका पास हम सिखाएंगे। जनक महाराज के पास गए, जनक महाराज बहुत परीक्षा लिया, परीक्षा का बाद स्टैम्प दे दी, भले ये 100% पास हो गया। ये है ही है, हमारा परीक्षा लेने का ऊपर कुछ नहीं, ये जन्म जन्म से विरक्त है। तब परीक्षित तब सुख व्यासदेव गोस्वामी जी भागवत जी सिखाया। जो भी है, ये जो प्रसंग है, जो परीक्षित महाराज क्यों कोली को नहीं मारा, कोली को क्यों छोड़ दिया, भले इसका कारण है राजा जो है परीक्षित महाराज सारंग ही वो सारंग मतलब सारंग कौन है, जो भ्रमण है फूलों से शायद मधु को ले लेते हैं, हैं भोमरा मधु मधु मधुमक्खी, वो जाके धीरे धीरे मधु पान करते और मधु को लेके चाक बनाते हैं, है ना। और ये परीक्षित महाराज का तुलना दिया गया कि सारंग ही वो सारभोग, सारंग ही वो सारभोग। परीक्षित महाराज को पता था ये कलिकाल बड़ा खतरनाक काल है, सर्व साधन कोई भी साधन करो भजन करो उसमें बाधा आते रहे, कालहा कलीर वलीना है इंद्रियो बैरी वर्गा, ये श्लोक है, हम चर्चा करेंगे कभी। कालहा कलीर वलीना इंद्रियो बैरी वर्गा, भक्तिपत इहो कंटक कोटि रुद्ध, हा हा क जामी किम हम करणी करोमी, चैतन्य चंद यदि नादम कृपाम करो। यदि अगर चैतन्य महाप्रभु अपना चरण का अवलंबन ना दे दे भेला, चैतन्य महाप्रभु के चरण क्या भेला है ना, आ चैतन्य चरण का जो पार्षद लोग है साधु संत है, चैतन्य महाप्रभु का चरणों में भ्रमण करने वाला गुनगुन करने वाला मधुमक्खी जो है चैतन्य चरण कमल से मधु को पान करने वाला, श्री चैतन्य पदाम्भुजो मधुपेभ्यो नमो नमः कथंचित आश्रयाद ये शाम साओपी तत्गंधभाग भवेत, काल चर्चा हुआ नहीं तो शाम सायंकालीन अधिवेशन। आज हर हालत में हमको प्रथम पहला स्कंद खत्म करना ही है, नहीं तो होगा नहीं, बहुत टाइम कम है, अनंत कथा सागर है। जो ये कली जो है, कली सर्व साधन का लिए बड़ा खतरनाक है, बाधक है, लेकिन कली में एक गुण है जो गुण कमाल की गुण है। भले कली का अंदर में इतना दुर्गुण है, फिर भी कली का अंदर में एक गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्व मुक्त संग परम भजत, एकमात्र तो संकीर्तन के द्वारा ही तुम्हारा सारे सिद्धि हो सकता, सारे कलौ तत्केशव कीर्तनात्, ये सब विचार है। कृते यद्धायतो विष्णु है तेतायम जयते मखई, और दापरे तत्परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात् कृष्ण कीर्तनात्। तो कलिकाल में ये सुविधा है कि कुछ अगर संकीर्तन करते करते तुम्हारा शरीर छूट जाए तो अच्छा है, इसी बात को उठाया था पहले ही हम। कलिकल केवल नाम आधारा समर समर जीव उतर ही पारा, कलिकाल में नाम छोड़कर कुछ है ही नहीं, दूसरा साधन करने जाओ तो सारे साधन का अंदर कुछ ना कुछ दोष निकलेगा, विशुद्ध साधन हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है। और कलिकाल में लिखा हुआ है कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम रूप
कृष्ण नाम हर 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 युग में ही नाम का साथ हरि उपस्थित था, विशेष करके कली। इसका मतलब ये मत समझो जो सत्य युग में अगर कृष्ण बोले तो उसका अंदर क्या कृष्ण नहीं है, ऐसा नहीं। हर युग में विशेष करके ये कली में, क्योंकि सब जीव दुर्बल जीव है, इतना दुर्बल जीव है, इन लोगों के लिए भजन करना बहुत मुसीबत है, बहुत मुश्किल। इसलिए ये सुविधा दिया गया कलिकाल के लिए, छुटकारा है ये, केवल संकीर्तन करो और नाम करते करते हो जाएगा तुम्हारा। कलो उतप के शव कीर्तनात्, अगर कीर्तन का बहाना करो तो और मुश्किल हो जाएगा। कीर्तन नहीं किया, बोला हम तो कीर्तन कर रहे हैं, बाकी सेवा नहीं करे तो मरेगा, ऐसा नहीं। जीवों को सही बात विचार लिखाया कि हमारा जो भजन है, कोई भी भजन भजन साधन में जो भजन अंग है, वो कुछ भी अंगों का साधन करो तो उसमें अगर संकीर्तन ना रहे तो वो कर्म हो जाएगा। यद्यपि अन्य दूसरा सब भजन अंगों का जाजन करना है, करना तो है ही है, लेकिन संकीर्तन संकीर्तन संयोग देकर के, संयोग ये संकीर्तन के द्वारा करना है। संकीर्तन नहीं वो क्रिए तो संकीर्तन के द्वारा करो। रोसी करने जाओ तो मन में कीर्तन करते रहो नाम, फूल फूल की माला करो उसका अंदर में ठाकुर जी का नाम करते रहो, कुछ करो, कलेक्शन में जाओ ठाकुर जी का नाम करते रहो। अगर ना करोगे तो कर्मी बन जाओगे, कर्मी कर्मी, देखने में कर्मी और सेवक बाहरी दृष्टि में एक है, तुम ही रोसी कर रहे हो, वो भी रोसी कर रहे। बाहरी दृष्टि में देखने में कर्मी और भक्तों में बाहर में कोई पार्थक्य तो है नहीं, सिर्फ वृत्ति में, वृत्ति जो है अंतर के वृत्ति है, इसी में फर्क है। एक व्यक्ति सुबह में तंखा लेकर रोसी करता है, हाँ, उसका कर्म हो जाता है, और रात को एक व्यक्ति भक्त को रोसी करता है प्रेम के द्वारा, उसका भक्ति हो जाता है। तो भक्ति और कर्म जो है बाहरी दृष्टि में देखने में एक है, अंतर का जो वृत्ति है उसी का ऊपर ये डिपेंड करता है, नहीं तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे, मुश्किल। तो कलिकाल को मारा नहीं इसलिए कि कली का अंदर इतना दुर्गुण होते हुए भी इतना सुंदर गुण है, जो कोली को मारे तो मुश्किल है। कोली को मारा नहीं, छोड़ दिया, बोले ठीक है। और ये जो कली है, कली एक बात ये है, कली परीक्षित महाराज के शरण में गए। जब परीक्षित महाराज को खबर चला कि कली राजवेश बनाकर गो मिथुन पर अत्याचार, चारों ओर बदमाशी कर रहा है, हैं, अपना प्रभाव को प्रभाव को विस्तार कर रहा है, तो महाराज कली को शासन करने के लिए गए, अपना तरवाल को उठाए और काट के फेंक देंगे। कहा कौन है तू, राजवेश लेकर गो माता को ऐसा कष्ट दे रहे, कौन है बता, बोल के ऐसा जब तरवाल खोला तो कांपते कांपते कली क्या किया, अपना वेश को फेंक दिया और चरण में गिर गया, बोला हमको राजा बचाओ, हम आपका शरण में है। क्षत्रियो समाज का ये नियम है, जो शरण में आए उसके उसको वध उचित नहीं है, जो शरण में आ जाए उसका लिए उसको वध करना उचित नहीं है, क्षत्रियो का नियम है। तो वध करना छोड़ दिया, बोले एक काम करो इधर से चले जाओ, हमारा राज्य राजधानी से दफा हो जाओ तुम। तो कोली बोले महाराज हम कहाँ जाए, हमको तो एक जगह दो, तमाम दुनिया में जहां भी देखे आपका ही प्रभाव है, आपका राज्य राजधानी है, कहाँ है, कौन सी जगह ऐसा है कि आपका राजधानी नहीं है, आपका राज्य नहीं है, तो तमाम पृथ्वी तो आपका राज्य है, तो हमको एक तो जगह दो, हम तो बदमाश ठीक है, लेकिन एक जगह तो दे दो जहां हम शांति से रहे। ऐसा करके जब कस्तम मच्छरणे लोके, हाँ, बलाद हंसी अबलान बली,
नरदेव सी वेशेन नटवत कर्मणा अदिज तू दीजो का तू तू राजा का बेस बनाया है हमारा शरण में जो प्रजा लोग है सारे दुनिया हमारा शरण में है और ये हमारा शरण में जो रहता है उसका कोई कोई समस्या नहीं है किसी का हिम्मत नहीं हमारा शरण में आए हुए आदमी को डर दिखाए तू कौन है ऐसा करके हैं जब शासन की आर जस्तम कृष्णे गाते दूरम सहो गांडी बधन्यना हैं बोले ये जो तू सोचे कि कृष्ण चला गया अर्जुन चला गया गांडीव धारी जो अर्जुन है वो चला गया अतः ये जगत में हम जाके कुछ भी कर सकता ये गलत बात है हम अभी भी है और तो ऐसा करके जब शासन की तो क्या हुआ वो शरण में आए तो ये जो गोमाता है गोमाता कौन परीक्षित महाराज गोमाता का पूछे आप कौन हैं बाद में पता चला कि ये गोमाता जो है धरती देवी और जो वृष है जो बिजार साठ वो वृष है वो है धर्मो धर्मों का चार पाद है एक पैर में अभी धर्मो खड़ा हुआ है एक पैर इसका दर्शन क्या है विचार क्या है बोले महाराज एक पैर का जो विचार है ये इसलिए है तपो शौचो दया सत्यम इति चार पद था धर्मों का चार पद था ना धर्मों का चार पद है और चार पद आस्ते आस्ते खत्म होते होते अभी एक पद है तपो गया शौच गया दया गया सत्यो सत्य फिर भी है वो भी जाने का चक्कर में है और ये जो है अभी इसलिए अधर्म का तीन पैर तो एकदम खराब हो चुका इसलिए एक पैर में किसी भी हालत मुश्किल से खड़ा हुआ है वृष ये दर्शन इसलिए है कि धर्म का जो चार पाद है तीन पाद नष्ट हो गया किसी भी मुश्किल से एक पैर से खड़ा हुआ है ये विचार है और ये जो शासन किया शासन करने का बाद बोले तुम चले जाओ हमारा राज्य राजधानी थी तो बोले महाराज एक स्थान तो दे दो तो हम कहाँ जाए बोले ठीक है एक काम करो तुम्हें चारों जगह तुमको हम दे देते हैं वो चारों जगह तुम रह सकते चारों जगह कौन सी चार जगह दूतम पानम स्त्रियो सुना स्त्रिय सुना यत्रा धर्म चतुष्टयो हो ये जो दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्म चतुर्विधा ये चारों में स्वाभाविक कली रहता है ने ये जो दूत माने जुआ खेलना उसमें तो कली रहता ही है दूत तो है पासा खेला ये भी डेंजरस है लेकिन राजा का नियम है पासा खेलने का थोड़ा विधान है पासा का चक्कर में क्या हो गया था पांच पांडवों को हिसाब लगाओ अरे बाप बहुत सारे कहानी है पासा पासा जो कुछ भी यहां तक कि तुम जो लॉटरी का टिकट लेते हो ये भी जुआ है लॉटरी का टिकट मत खरीदो ये जुआ है इट्स ए काइंड ऑफ जुआ गैम्बलिंग बट ऑथेंटिक ये सरकार ऑथेंटिक नहीं है हम तो ऑथेंटिक ऐसे बोला कि सरकार ने अनुमोदन करके रखा कौन सरकार तो बोका है एक तरफ बोले दारू पीना माना है दूसरा तरफ पीछे से दारू का लाइसेंस दे रहा ऐसा फूलिश गवर्नमेंट है ऐसा है ना गवर्नमेंट हाँ ये पीछे से दारू का लाइसेंस दे रहा है अब बोले ए दारू पीना माना है और ठीक है कौन मानेगा तुम्हारा का बात और लॉर्ड जब जुआ मत खेलो अब खुद ही जुआ का परमिशन दे दिया पश्चिम बंगाल सरकार का से हर जगह लॉटरी हो रहा है ये भी जुआ है तो जुए जो है जुए के अंदर में कली का स्थान है
जो खाना पीना जो पैसा मठ में आता है, तुम अगर इसका शुद्धि के बारे में चिंता नहीं करोगे तो तुम्हारा भजन नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है क्यों भजन नहीं हो रहा है, क्यों इतना चंचल है ब्रह्मचारी लोग सन्यासी लोग, क्यों क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वो जो आ रहा है उसका जो प्योरिटी उसको चिंता नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर का हमारे ऊपर गुस्सा मत करो, भक्ति विनोद ठाकुर का बात है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं जब तक वृत्ति शुक्ल नहीं है वो अगर तुम्हारा पास आएगा वो तुम्हारा टेंशन तुम्हारा अंदर में एकदम खतरनाक है। कली का पैसा और यहां जो है देखो इधर चारों जगह दे दिया, अवर्थितो तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ, कलये कली को दे दिया, ददौ दे दिया क्या क्या, अवर्थितो हमको महाराज रहने का जगह तो दो, हम भी आपका पूजा बन के रह जाएंगे। ठीक है, अवर्थितो तदा तस्मै स्थानानि कले ददौ दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्म चतुष्टय हो। दूत ये जो है जुआ इसमें कोली है, पान किसी किस्म का पान माने नशा, पान मतलब नशा, चाहे तुम दारू का नशा हो, चाहे चिलम का नशा हो, भांग का नशा हो, नशा तो नशा ही है, बीड़ी का नशा, सिगरेट का, पान का, कोई भी नशा, हर नशा का अंदर गुटखा खाओ सब कली बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं हो तो बिल्कुल आदमी नहीं मानेगा। और नशा क्या है, शास्त्र में है नशा जो है नशा बुद्धि को विकृत कर देता है, विकृत नशा जो है बुद्धि को, और दारू पीने वाले को जितना पाप लगता है, नशा करने वाले को जितना पाप लगता है उतना पाप मुश्किल है, लिखा हुआ है। कोई भी नशा सब बंद, दारू पियो चिलम ये सब पाप है, महापाप, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है नशा करके, देखो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना, बुद्धि काम नहीं करता। ऐसा जो है दूत और पान, हम बताया चारों अलग अलग किस्म का नशा है, सारे ये पानों के अंदर आता है, इसमें कली है। स्त्री यहां स्त्री प्रसंग जो आता है, धर्म पत्नी छोड़कर जो भी है, धर्म पत्नी छोड़कर बाकी भी कोई भी स्त्री प्रसंग आए, हमारा गौड़ीय विचार में तो और सुख जो सूक्ष्म विचार है, ये जो स्त्री इसको जोशित संग बोला गया हमारा गौड़ीय विचार में, या जो स्त्री स्त्री यहां ये प्रसंग हो, ये बाजार का लोग व्याख्या करेगा स्त्री प्रसंग, लेकिन हमारा गौड़ीय विचार में और सूक्ष्म प्रसंग है, सूक्ष्म विचार है। ये कौन सी सूक्ष्म विचार है, भले इसमें विचार गया, पोपा जी ने बताया कि जोशित मतलब भोगने वाला चीज, जोशित ये जो शब्द है भोगने वाला चीज, इसको जोशित बोला गया। जोशित जोशित ये जो विषय है इसका भी कोई किस्म का भाग है, जैसे कामिनी जोशित, कामिनी जोशित वो लड़की है, कामिनी जोशित, इसके बाद कांचन जोशित पैसा धन दौलत, ये भी जोशित है, ये भोगने वाला चीज है। कामिनी जोशित कांचन जोशित है, प्रतिष्ठा को भी जोशित बना गया, प्रतिष्ठा हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये जो है ये भी जोशित संग है, कोई किसी का दिमाग नहीं जाएगा उस तक। प्रतिष्ठा साधृष्टा सपच रमनी मेरे दिन टेत है ना, रघुनाथ गोस्वामी मिलेगी। आप हरि कथा बोलने से अगर प्रतिष्ठा है तो हम क्या करें, हमको छुटकारा दे दो, हम तो जाते नहीं, हम तो जाते नहीं, बहुत मुश्किल से बहुत कम जगह जाते हैं, हम ना जाए तो फिर भी बहुत बात गाली दें, लिखा हुआ हरिभक्त विलास में गुरु वैष्णव का आदेश है, तो इसमें अगर थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा आ जाए तो प्रतिष्ठा हम गुरु वैष्णव को भगवान को दे देते हैं, प्रतिष्ठा हम नहीं लेते, प्रतिष्ठा का पीछे हम नहीं है, ठाकुर जी को दे देते, भगवान को गुरु वैष्णव को दे देते। ये प्रतिष्ठा जोशित, जोशित का डिवीजन हमने कर दिया, क्या क्या बोला, कामिनी जोशित कांचन जोशित प्रतिष्ठा जोशित
भोगने वाला जो चीज है वही ज्योतिष है। अर्थात कोई लड़की ने किसी पुरुष को भोग करने का विचार किया, वो भी ज्योतिष संग हो गया, लड़की का लिए भजन करना मुश्किल हो जाएगा। समझा मेरा बात? किसी लड़की ने सोचा कि उसको हम भोग करेंगे, तो ये इसका तरफ से ज्योतिष हो गया, अर्थात वो लड़की ज्योतिष संग कर रहे हैं। मेरा बात सोचा, समझा मेरा बात? बड़ा सूक्ष्म विचार है। भोग का वृत्ति लेकर सेवा का वृत्ति छोड़ के, सेवा का वृत्ति छोड़कर भोग का वृत्ति लेकर कुछ भी करोगे वो तुम्हारा लिए बॉन्डेज, तो जेल में डाला जाएगा। माया देवी तुमको जेल में डाल के रखेगा जन्म भर, कभी ऐसा मत करो। हाँ, तो ये जो स्त्री यहां सुना, सुना मतलब प्राणी हिंसा, मांस खाएंगे, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, हिंसा करेंगे प्राणी को, ऐसा ये सुना, इसका अंदर में सुना। तो ये चारों में देखो, विचार करके देखो परीक्षित महाराज का क्या दोष है कि ये चारों चीजों में तो ऑटोमेटिक कोली तो है ही है, तो तुरंत स्थान इसमें है, तो इसी चीज चारों चीजों में रह गया, चारों चीज में। और कोली ने रोया, कोली ने बोला इतना छोटे जगह में कैसे हमारा गुजारा हो सकता, थोड़ा सा बड़ा जगह दे दो, फ्लैट बड़ा छोटा है कैसे रह पाएगा, ये हमारा लिए जगह बहुत छोटा, थोड़ा बड़ा जगह दे दो। तो जब ऐसा प्रार्थना की, पुनश्च जाचो मानायम, पुनश्च जाचो मानायो, जात रूपम अदात विभु, जात ऋतम अदात प्रभु, विभु नहीं है प्रभु लिखा हुआ, विभूति है तो विभु। आ ये जो है जात रूपम अदात प्रभु, ये प्रभु परीक्षित महाराज जी ने कली बार बार रोना धोना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा बड़ा जगह दे दो नहीं तो हमारा मुश्किल है जीना, ठीक है चल। ततो क्या किया, ततो अनृतम मदम कामम राजो वैरंच पंचमम जातो रूपम अदात प्रभु इत्यादि है। अनृतम झूठा जहां है वहां कली रहे, मद अहंकार जहां रहे वहां कली, काम रहे वृत्ति उसका अंदर में है, रजोगुण जहां रहे हैं बोरंच पंचमम, अमूनि पंचस्थानानी ही अधर्म प्रभव कली औत्तरेण, औत्तरेण उत्तर उत्तरा का लड़का है इसलिए औत्तरेण दत्यानी नवसत है तद निर्देशकित निवेशत बसवास करना शुरू कर दिया परीक्षित महाराज के आदेश के अनुसार। जातो रूपम अदात प्रभु, अतः सोने जो है सोने, एक चीज और दे दिया, सोने चांदी जो धन संपत्ति जो सोने चांदी उसका अंदर कली का प्रवेश। अब ये जो है सोने चांदी सोने ये सब धन दौलत इसका अंदर कली का प्रवेश है, क्यों? ये धन दौलत का पीछे ऑटोमेटिक झूठा आ जाता है, अनृतम मदम कामम रजो बैरंच पंचमम, ये पांच चीज रहेगा, शत्रुता आ जाएगा लड़ाई। ये जो एक चीज दिया ना हमको थोड़ा बड़ा जाएगा दे दो, ठीक है एक चीज दे दिया, क्या है वो सोने चांदी वो सब दे दिया, दिया तो एक चीज किंतु ये चीज दिया एक, लेकिन इसका पीछे इसका जो विचार है देखोगे इसमें क्या क्या चीज आ जाएगा, झूठा आ जाएगा, झूठा आ जाएगा, उसका बाद मद 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 अहंकार आ जाए, काम आ जाएगा, वैर शत्रुता आ जाएगा। हैं सत्राजीत का जो मुनि मिला था उसका पीछे क्या लड़ाई हो गया था, कितना खून खराबा हो गया, दशम स्कंद में आएगा। सत्राजीत राजा को सूरज भगवान ने एक मुनि दिया, सामंतक मुनि, वो सामंतक मुनि का पीछे कितना लड़ाई हो गया, अरे बाप रे कितना हंगामा हो गया बाप, क्योंकि वो कृष्ण को समर्पण नहीं किया, कृष्ण को समर्पण कर देते तो कुछ नहीं होता। अब ऐसा है कि कली चारों ओर प्रभाव कब्जा कर लिया, इसका बाद ये सब जगह रहना शुरू कर दिया,
परीक्षित महाराज ने विचार की कि इसमें तो संत महात्मा जो सावधान है, जो हर वक्त सतर्क रहता है, उन लोगों के लिए तो कोई खतरा है नहीं। सतर्क रहता है जो जो सब सब हर वक्त एकदम विचार बना के रखता है, उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं होगा, उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, इससे छोड़ दिया। कली को बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। और मधुमक्खी जैसे मधु को उठा उठा कर चयन करते करते ले आते हैं, ऐसा परीक्षित महाराज ने विचार करके कोली को छोड़ दिया, चलो कोई बात। और कोली महाराज, ये जो परीक्षित महाराज गंगा का किनारे कैसे अपना शरीर को छोड़ा, सुतोदो गोस्वामी महाराज बोले जो वही द्रोणास्तो विप्लुष्ट न मातुर उदरे मितः, मैया का कोक में जो नहीं मरा नहीं, क्योंकि भगवान ने रक्षा कर दिया। अनुग्रहाद भगवतः साक्षात अद्भुत कर्मणः, साक्षात अद्भुत कर्मणः अर्थात भगवान श्री कृष्ण का कृपा के द्वारा जद अनुग्रहाद, ये परीक्षित महाराज मैया का कुक में द्रोणाचार्यों का जो लड़का जो अस्त्र फेंका था ये मरा नहीं उधर में। ये जो है इसको इसका इसका जो शरीर छोड़ना बड़ा अद्भुत है। क्यों? ब्रह्म कोपोत्थिताद यस्तु तक्षकात प्राणो विप्लवाद न संगमु मोह उरु भयाद भगवती और पिता सयो हो। भले ये परीक्षित महाराज जिसको ठाकुर जी ने स्वयं उत्तरा देवी उत्तरा मैया का गर्भ से हैं गर्भ में रक्षा किया, और उसका बाद जन्म लेने के बाद आज उसका शरीर कैसे छूटने वाला है, भले ब्रह्म कोपात जो ब्रह्म कोपात बने वो ब्राह्मण वैष्णव का कोप अभिशाप, ब्रह्मकुल ब्रह्मकुलाब मानात, ये आपका विचार आएगा ये तुम्हारा इसमें जड़ भारत का प्रसंग में। मैं किसी भी वस्तु से डरता नहीं हूं बोला, नाहंग विसंके सुरराज बजरात नास्तार कुसूलात न जोम सदन्यात नागनार को नीला है। ये जो श्लोक है सुंदर आएगा पंचम प्रसंग में। और हम डरते क्यों? ब्रह्मकुल अवमानात, ब्रह्मकुल का अवमानना से, ब्रह्मकुल का कोई अपमान हो जाए हमसे, दोष लग जाए, अपराध हो जाए, तो ये सांप से बहुत डरते। परीक्षित एक बार ऐसा क्या हुआ, भले ब्रह्म कोपोत्थिताद यस्तु, ये ब्रह्म अतः ब्राह्मण कुल का वो जो ऋषि बालक जो है उसका सांप लगा, इसका प्रसंग आएगा अभी, और तक्षक इसको डांसेगा, और ये गंगा का किनारे बैया सके शिष्यो, बैया सकेर सकेर जहो शिष्यो गंगायम स्वाम कलेवरम। हाँ, सुखदेव गोस्वामी के जो शिष्य है ये गंगा का किनारे अपना शरीर को छोड़ दिया। अब यहां प्रश्न किया कि कैसे ऐसा कैसे हो पाया, ये तो महाभागवत है, इसका शरीर कैसे छूट गया, ऐसे कैसे हुआ? भले इसका पीछे कारण है हम संक्षेप में बता रहे हैं। भले एक दफे परीक्षित महाराज जंगल को गए वहां मृगया करने के लिए, राजा लोगों का ये नियम था युद्ध का प्रैक्टिस करने के लिए मृगया अर्थात जंगल में जाना पड़ता था, ये क्षत्रिय लोगों के लिए ये नियम था राजा लोगों का। जंगल में गए, जंगल में भटकते हुए और इतना प्यासी बन गया, भूखे प्यासे प्यासा बन गया, उसके बाद ढूंढते ढूंढते कोई पानी नहीं मिला बिल्कुल, तो एक श्रमिक ऋषि बोल के एक ऋषि है, ये श्रमिक ऋषि का आश्रम को पहुंचे और श्रमिक ऋषि का पास प्रार्थना की हमको थोड़ा पानी पिलाओ,
ऐसा। लेकिन समग्र ऋषि भजन में थे एकदम पूरा स्थानोत्रयात उपरतम, तीन वो जो ये जो है एकदम निर्विकल्प समाधि में चला गया था, ऐसा अवस्था में इसका होश नहीं था। बाह्य वस्तु स्वप्नो सुषुप्ति, तीनों अवस्था है ना, बाह्य जो जगत है ये, और सो जाओ तो सपने में आए, और सुषुप्ति इसका ऊपर है, और सब पार कर लोगे तो एकदम निर्विकल्प हो जाए। हाँ, ऐसा अवस्था, ऋषि को पता नहीं चला कि साक्षात परीक्षित महाराज आए हुए हैं। ऋषि का कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज का अंदर में थोड़ा गुस्सा आया। इसका इसमें भी रहस्य है, बोले हम आया अभी उत्तर नहीं दिया, कोई संभाषण नहीं किया, तो ऐसा करके थोड़ा गुस्सा आया। पानी तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो एक सांप बड़े मरे हुए सांप को, एक मरा हुआ सांप को क्या किया, अपना धनुष से उठाया ऐसा करके और ऋषि का गले में डाल दिया, ऋषि का गले में डाल दिया और डाल के चला गया। कहाँ? राजधानी को चले गए। और बाहर का दुनिया का आदमी व्याख्या करता है जिसका कोई पता नहीं, और महाराज परीक्षित महाराज जो महाभागवत है, इतना बड़ा वैष्णव है, वो कैसे ऐसा उल्टा काम किया। जो कभी भी गुरु वैष्णव सन्यासी ऋषि मुनियों को कभी भी अपमान नहीं करने वाला, वो कैसे किया, ऐसा कैसे संभव है। तो कोई कोई आदमी, बाजार का आदमी सब व्याख्या करते हैं, ये कौली काल वो जो राजा का माथा में जो मुकुट था, मुकुट तो सोने का बना हुआ था, वो मुकुट का अंदर में कौली प्रविष्ट है, क्योंकि सोने चांदी में कौली को स्थान दिया था, कौली वो मुकुट का अंदर सोने से बनाया हुआ था, उसका अंदर प्रविष्ट हो गया कली, इसलिए परीक्षित महाराज का दिमाग खराब हो गया था, ऐसा व्याख्या करता है बहुत आदमी। लेकिन उचित व्याख्या नहीं हुआ, उचित व्याख्या नहीं है ये। क्यों? पहला क्वेश्चन तो है जे कोली जो है, कोली का हिम्मत कैसे हुआ, ये जो आपका जो मुकुट है, मुकुट का अंदर कैसे घुसा, ये मुकुट जो है, ये मुकुट किसका है, मुकुट का विचार करो, मुकुट ये मुकुट है किसका है, जरासंध का मुकुट। हाँ, और स्वयं कृष्ण रहते हुए प्रसंग है महाभारत में, ये मुकुट को भगवान श्री कृष्ण स्वयं डाल दिया युधिष्ठिर महाराज का सर पे। जो चीज स्वयं कृष्ण भगवान ने दिया है, उसका अंदर माया नहीं रह सकता। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जो मुकुट अभिषेक का स्वयं अभिषेक का समय साक्षात कृष्ण भगवान उपस्थित थे उसी समय, और मुकुट को डाल दिया था सर पे कौन, कृष्ण। जो चीज साक्षात कृष्ण भगवान ने दिया है, उसका अंदर में कली का अधिकार नहीं हो सकता। ये मुकुट है परीक्षित महाराज के सर पे, तो उसका अंदर में कली प्रवेश होना संभव नहीं है। तो कैसे हुआ, बोले ये एक राज है। टीकाकारों ने सुंदर व्याख्या किया, बोले परीक्षित महाराज स्वयं भी बोले हैं कि हमारा जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया। टीकाकारों ने बताया कि परीक्षित महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत जी महापुराण का माने स्थापना करने के लिए एक बहाना बनाया ठाकुर जी। परीक्षित महाराज का अंदर माया देवी इच्छा करके ऐसा हालत पैदा कर दिया, मुंह डाल दिया माया देवी। ये महामाया जो है, महामाया जोग माया का एक लीला, ये महामाया का अधिकार नहीं भक्तों का अंदर। जोग माया इच्छा करके कराया, जोग माया सोचे हाँ मगर ऐसा हालत पैदा कर दे तो परीक्षित महाराज सब छोड़ के गंगा किनारे बैठे और सुखदेव गोस्वामी तो आके हरिकथा भागवत कथा प्रवचन करेंगे।
इच्छा करके परीक्षित महाराज का अंदर में जोगमाया एक ऐसा प्रभाव लगा दी थी जिसके द्वारा परीक्षित महाराज का अंदर में विचार में थोड़ा भेद आ गया था उसी समय के लिए। इस बात का बहुत सारा अफसोस किया परीक्षित महाराज, जब राजधानी को चले गए उधर जाके ऐसा करके अफसोस किया, हाय हाय हमने क्या किया हैं, ये हमने क्या किया, ये तो जिंदगी में हमें कभी नहीं किया, ऐसा कैसे कर दिया, बार बार अफसोस किया। और ये भागवत में ऐसा विचार है कि लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, अभूतपूर्व सहसा खुत्तीड़भ्याम अर्दितात्मनः ब्राह्मणम है प्रत्युत अभूत ब्रह्मणो मत्सरो मनुरेव च सतु ब्रह्म ऋषेर अंशे गतासु मुरगम रुषा है विनिर्गच्छण धनु टंक्या निधायो पूर्वमागत। बोले अभूतपूर्व, अभूतपूर्व शब्द का माने क्या है, अभूतपूर्व माने क्या है, अभूतपूर्व माने जाए जो जिंद कभी भी नहीं हुआ, अभूतपूर्व पूर्व में कभी देखा नहीं गया, जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं कभी, अभूतपूर्व सहसा ये परीक्षित महर्षि अंदर भूख और प्यास लग गया। महापुरुष का वो जो महाभागवत का विचार करो तो उसमें भूख प्यास में कोई कष्ट नहीं होता, लिखा हुआ है ना है, उत्तम भागवत कौन है, कनिष्ठ वैष्णव कौन कौन, कनिष्ठ साधु, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी में भी विचार है बहुत सारे हैं, उसमें लिखा हुआ है ना, खुदा तृष्णा में उसका कुछ नहीं होता, लेकिन परीक्षित महाराज का हुआ क्यों, जब परीक्षित महाराज के बारे में लिखा हुआ है यशो महाभागवत, परीक्षित महाराज के बारे में लिखा हुआ है यशो महाभागवत, लेकिन ये महाभागवत का तो ऐसा नहीं होना होनी चाहिए, क्यों ऐसा हुआ, इसका उत्तर दिया अभूतपूर्व सहसा खुद तेरा व्याम अर्जित आत्मना, ऐसा खुद खुदा तृष्णा में इतना कष्ट उपस्थित हुआ सहन करना मुश्किल हो गया उसी टाइम के लिए, क्षण भर के लिए, और दिमाग में थोड़ा ठाकुर जी ऐसा कर दिया कि उसको इसी का बहाना लेकर भागवत जी महापुराण हमारा जगत में आए, नहीं तो आना संभव नहीं। जैसे वैकुंठ पार्षद जो जय विजय है, जय विजय के बारे में बोला, शास्त्र में लिखा हुआ है जय विजय तो वैकुंठ का पार्षद है, तो जय जय विजय का दिमाग क्यों खराब हुआ, क्यों खराब हुआ, भगवान श्री कृष्ण वो जो है नारायण जो है उधर वैकुंठ, वो जो चतुष्सन को बोले हमारा इच्छा से हुआ, चतुष्सन बड़ा दुखी भाई, हम तो सांप दे दिया, हमको क्षमा करना ठाकुर जी, बोले ना ये मेरा इच्छा से हुआ, मैंने तुम लोग मैं तुम तो एक इंस्ट्रूमेंट हो, हम सांप दिलवाया ताकि वो जगत में जाए मेरा साथ लीला होए, ये लीला है, नहीं तो वैकुंठ पार्षद का अंदर में अहंकार आ गया उल्टा कर दिया, संभव नहीं है। तो ये जो परीक्षित महाराज का अंदर ये जो तुम्हारा विचार से जो कोली का प्रभाव आया ये बिल्कुल सच्चा नहीं, कोली का प्रभाव बिल्कुल नहीं आया, ये ठाकुर जी का ही एक लीला है, ऐसे करवाया कि जैसे श्रीमद् भागवत जी महापुराण का प्रवचन जगत में प्रचार हो जाए, इसका लिए ऐसा किया। अब बाद में क्या किया, परीक्षित महाराज राजधानी भी आए, बड़ा दुख किया, अफसोस किया, इतना अफसोस किया कि रोना शुरू कर दिया, हाय हमसे कैसे ऐसा बन पाया, हाय 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 ये हमने क्या किया, कभी तो हमारा ऐसा नहीं हुआ जिंदगी में, ऐसा कैसे हो गया करके बड़ा अफसोस किया परीक्षित महाराज जी, परीक्षित महाराज बड़ा अफसोस किया और अपने आप पर धिक्कार दिया हैं, भजे ऐसा धिक्कार दिया, अद्वैव राज्यम बलमृद्ध कोशो प्रकोपीत ब्रह्म कुला नलो में
दहतु अभद्रस्य पुनर न मे अभूत पापियसी धीर दिजो देव गभ्या। बहुत पानिशमेंट हमारा जिंदगी में शास्त्र धिक्कार दिया, धिक्कार हमारा जिंदगी में। ऐसा ठाकुर जी मेरे लिए शास्ति का व्यवस्था करे को हमारा जन्म जन्म पे ऐसा बुद्धि खराब ना हो कि ब्राह्मण वैष्णव गोमाता ऋषि मुनि किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे हमारा द्वारा, ऐसा हो जाए। बोलो अगर इच्छा करके अगर वो अपमान करके आया ऋषि को तो कैसे ऐसे बुद्धि होता, इसका पूरा साफा प्रमाण है। वो इच्छा करके किया नहीं था, अचानक हो गया, ठाकुर जी करा दिया उसको, नहीं तो होगा नहीं ना। राम जी का भी लीला में जो कौशला नंदन राम, इसका भी बड़ा भारी विचार है सुंदर। कोई कई जो ये बोर को मांगा, इसका पीछे गुप्त रहस्य है। एक रामायणी बाबा है, वो बड़ा सिद्ध महात्मा, हमारा हमको बहुत प्यार करते थे अयोध्या, अब नहीं है, सरी छूट गया। रामायणी बाबा इतना सुंदर देखने में, हमको बहुत प्यार करते थे। जब भी उसका साथ अयोध्या में देखा हो, कलकत्ता में आते थे, बहुत बड़ा बड़ा आदमी को दीक्षा दिया, हम देखा करने, हमको कापड़ देते थे, महाराज आप ले लो कापड़ प्रणामी, हम आप संत हो हमको दे रहे, नहीं आप ले लो। हाँ, बड़ा सूक्ष्म विचार है इसमें। बोले कैकेयी जो ये बड़ को मांगा था, इसका पीछे भी राम जी का इच्छा है। एक गुप्त रहस्य है रामायण का, जब विचार हम करेंगे तो आए आए राम जी का ऐसा विचार। राम जी मैया को बोल, क्योंकि कौशल्या से कैकेयी देवी इतना प्यार करती थी, कौशल्या से बढ़कर, ऐसा विचार है हर वक्त कैकेयी का कल में गोदी पे। वो कैकेयी कभी भी भूल से भी ये नहीं कर सकता, ये तो एक बहाना। और इसमें विचार है, राम जी स्वयं बोले मैया आज तुम्हारा सामने ऐसा दान मांगे कि तुम दोगी, बल तू जो चाहे हम दे, बल ऐसा ऐसा करना है, हमारा कोई लीला है, हम जाएंगे जंगल में। बोले देखो हाँ हाँ कर लेंगे, देखो मैया पूरा जगत तुमको नफरत करेगा, घृणा करे, कोई के ही नाम पर लोग थुक्कार दे, हमारा लिए सहन होगा तुम्हारा? हाँ सहन हो जाए, किसी का नाम कोई के ही नहीं रखेगा, इतना घृणा करे जगत, हमारा लिए सहन कर सकोगी? बोला हाँ करे। रहस्य है इसका अंदर, विचार है। और ये जो है परीक्षित महाराज का अंदर में जो भाव है, हमने व्याख्या की है, सही व्याख्या है कि कभी भी गुरु वैष्णव ब्राह्मणों का अपमान करने का कोई विचार ही नहीं है इसका अंदर में, उसका खानदान में ऐसा भाव नहीं है, कैसे हो गया। तो इसका ही बोला, अद्वैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपित तो ब्रह्म कूला नलो में दहतु अभद्रश पुनर्न में अभूत पापियो से धीर दिजो देव गभ्य। धीर जो ऋषि मणि है, धीर दिजो ब्राह्मण वैष्णव गौ माता, और जिंदगी में कभी भी ठाकुर जी हमको एक सबक सिखा दे, ठाकुर जी हमको एक सबक सिखा दे, कभी भी हमारा बुद्धि ऐसा खराब ना हो। इसका प्रमाण ये है, इसके द्वारा प्रमाण होता है जे इच्छा करके परीक्षित महाराज नहीं किया, ये ठाकुर जी ने करवाया। अब अचानक उधर से, अब ये जो बच्चा है, कौन बच्चा? श्रृंग ऋषि है, समिक ऋषि का लड़का है। ऋषि तो भजन कर रहा था, और किसी ने खबर दिया बच्चा जो है, बच्चा खेल रहा था, कहाँ दूरी जगह, अपना ऋषि बालकों के साथ खेल रहा था। अचानक एक व्यक्ति जाके एक बच्चा जाकर, ए तुम्हारा फिबाग पिता का अपमान हो गया, किसने किया? बोले देखो तो सही, जाके राजा ने किया, तुम्हारा पिताजी का अपमान किया। अपमान किया, दौड़ते हुए आए और देखे महाराज एक मरा हुआ सांप जो है गले में लटका के चला गया राजा। तो है तो ऋषि ब्रह्मोत्तेज है, ऋषि बालक है ना, ऋषि बालक ब्रह्मोत्तेज है, देखने में बच्चा है, लेकिन है तो ऋषि बालक, तपस्या है उसका,
इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि वो क्या किया, सांप दे दिया। छत जो राजा है, और जब सांप दिया तो इस सांप का जो मैसेज है, खबर है, परीक्षित महाराज को मैसेज आना चाहिए ना कि आपको सांप मिला। बोले जो राजा ऐसा किया, वो राजा का 7 दिन का अंदर उसका प्राण तखों के द्वारा दंशन होके, तखों दंशन करे और इसका शरीर छूट जाएगा 7 दिन को अंदर। ऐसा करके जब सांप दे दी तो अब परीक्षित महाराज का पास खबर आया कि श्रृंग ऋषि ने आपको सांप दे दी, स्वामी ऋषि का लड़का ऐसा सांप दे दिया कि आपका शरीर 7 दिनों के अंदर छूट जाए, तखक दंशन करे। तो परीक्षित महाराज बड़ा प्रसन्न भए, बोले वाह, इसी का ही तो प्रार्थना में था, प्रार्थना कर रहा था ना परीक्षित महाराज, तो इसी का प्रार्थना करता है, ऐसा सबक सिखाए मेरे को, ऐसा शिक्षा दे ठाकुर जी, कभी ऐसा ना हो पाए। जब ऐसा बोले तो अचानक ये मैसेज आ गया, खबर आ गया कि देखो आपका शरीर छूटने वाला है, अपना व्यवस्था कर लो, 7 दिनों के अंदर आपका शरीर छूट जाने वाला है, आप व्यवस्था कर लो। ऐसा जब किया तो परीक्षित महाराज का बड़ा आनंद हुआ, अब अच्छा हुआ, अब अच्छा हुआ, मैं जो अपराध किया उसका एकदम बिल्कुल सही शास्त्री मिले। सौ साधु मेने न चिरे न तख कानलम प्रसक्त विरक्ति कारणम। परीक्षित महाराज ने बोले, अच्छा आपको बोले संसार छर के चले जाओ, चले जाओ, अब जाओगे? हरिधर महाराज हम कैसे जाए, लेकिन जिंदगी में किसी का जिंदगी में ऐसा घटना घट हो गया कि संसार पूरा पूरा एकदम कड़वा हो जाए, तो वो तो चला जाएगा, संसार चला जाएगा ना, संसार अगर कड़वा हो गया, बस करो महाराज संसार हमको नहीं चाहिए। ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, एक तखक का जो दंशन होने वाला जो बात है, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तखक दंशन करने वाला जो बात है, ये तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना है, इसका हमारा डबल लाभ हुआ है। इसमें क्या हुआ, हमारा तो ये जो राज्य राजधानी का चक्कर में हम अपना जिंदगी को समय दिया वो छूट गया, और मन को अगर शांत बना ले, गुरु मिल जाए तो ठाकुर जी भी मिल सकता है। अब हम तो समय आया, हमारा सुजग आया, जैसे नैमिष क्षेत्र में हजारों साल का यज्ञ का आयोजन किया, ऋषि मुनियों ने बाद में स्वीकार किया स्वयं, बोले ये तो एक बहाना है, शक कथया हरे हे, मुझे कथा कथा का अवसर मिला, हरि कथा का अवसर मिला, हजारों साल साथ जो यज्ञ का आयोजन, ये तो एक बहाना है, कथया सक्षण है हरे लिखा हुआ है, हरि कथा का अवसर हमारा जिंदगी में मिल गया। परीक्षित महाराज ने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सांप आ गया तो ठीक है, ये सांप है, इस सांप के द्वारा क्या हुआ, बोले हमारा विरक्ति का कारण हो गया, हम राज्य राजधानी छोड़ के, परीक्षित महाराज का कि पहले चला गया कहां, पूरा गंगा का किनारे, कहां सुक्तल क्षेत्र, सुक्तल क्षेत्र में पहुंच गया परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज पहुंच गए और जाके गंगा का किनारे बैठ के एकदम आसन लगा के बैठ गया, और जितना सारे ऋषि मुनि हैं, सारे ऋषि मुनि सब उधर पहुंच गए। तत्रो उपजोगमुर भुवनम पुनाना महानुभाव मुनयो सशिष्या प्रायेन तीर्थाभिगमापुदेशई स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। ऐसा बड़ा बड़ा संत महात्मा है जो तीर्थों को भी तीर्थ बना देता है, तीर्थ क्या है, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते। काल चर्चा किया था विदुर जी के बारे में, युधिष्ठिर महाराज बोला भवद्भिदा भगवतः तीर्थीभूता स्वयं प्रभु विभो तीर्थी कुरुवन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृता। स्वयं ठाकुर जी
आपका अंदर में है, आपका मापी ऐसा बड़े 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 साधु महात्मा तीर्थ करने के लिए जाता है, वो किसका कारण क्या है? बोले तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाला। सारे मुनि ऋषि आ गया उधर, उत्तीर वशिष्ठ चवन भरत बज शरद वान अरिष्ट नेमिर भृगु भिगुर अंगिर अंगिराश्च पराशर गाधिसूत अथो राम उकत्थ इंद्र प्रमद सुबाहु मेधा तिथिर देवल अरिष्ट सेन भरद्राज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय ऊर्व कवश कुंभ जोनिर्दिपायण भगवान नारदश्च। सारे जितना सारे बड़े बड़े ऋषि है, जितना सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सब आ गया। भरद्राज वशिष्ठ चवन हैं विश्वामित्र गादी सुतो सब आ गया पूरा। बोले कौन बुलाया महाराज, कौन नौता दिया? बोले कोई नहीं दिया, ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया। ये ऋषि मुनि साधु संतो जो है ना, इसका अंदर में ठाकुर जी जैसे प्रेरणा दे ऐसा करता है। ठाकुर जी प्रेरणा देता है तो करता है। ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया, अभी चलो सब सब चलो परीक्षित महाराज के। उधर बैठा हुआ है परीक्षित महाराज, कहाँ? गंगा का किनारे सुक्ताल क्षेत्र, वहां सारे मुनि ऋषि पहुंच गए। और ये जो सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो ऋषि मुनि हैं, आप बताओ कि हमारा जिंदगी का शेष है मात्र 7 दिन, हमारा जिंदगी का शेष है 7 दिन, ये 7 दिन का अंदर हम क्या कौन सी साधन करें जैसे हमारा शरीर मुक्त होके ठाकुर जी हमारा हम निकल जाए जगत से। कौन सी ऐसा साधन है कुछ बताओ, ऐसा साधन जैसे हमारा परम मंगल हो जाए। परीक्षित महाराज ऐसा ऐसे तो विचार करके देखो, परीक्षित महाराज का जिंदगी में 7 दिन का टाइम मिला, लेकिन तुम्हारा दिन के तो 7 मिनट का भी कोई भरोसा नहीं है। परीक्षित महाराज को एक सर्टिफिकेट मिला था, अभी तुम्हारा शरीर छूटने वाला नहीं है, 7ों दिन बाकी है। 7 दिन का अंदर आप ऐसा व्यवस्था कर सकते हो कि जिससे आपका परम मंगल हो जाए, लेकिन आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है, 7 सेकंड का कोई भरोसा नहीं। परीक्षित महाराज को 7 दिन का भरोसा है, 7 दिन का अंदर शरीर नहीं जाने वाला, लेकिन आपका तो कोई 7 मिनट का 7 सेकंड का कोई भरोसा नहीं, कब भी चले जाए। और विचार करके देखो, हम सभी का शरीर 7ों दिनों का ही अंदर तो जाएगा, है सोम मंगल बुध विश्व है शुक्र शनि रवि, सबका शरीर 7ों दिनों का अंदर ही तो जाएगा, है जाएगा ना। अब ऐसा विचार, तो ये जो है परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और एक एक ऋषि कह रहे हैं कि महाराज ऐसा करो तो आपका मंगल होगा, और दूसरे ऋषि बोले महाराज ऐसा करो तो आपका मंगल होगा। इतने में क्या हुआ, साक्षात सुखदेव गोस्वामी नंदनंदन कृष्णो स्वयं सुख है। भागवत का महिमा में हम वो महिमा का चर्चा नहीं किया पहले सेशन में, जो हुआ का चर्चा वहां 2 किस्म का भागवत का महिमा बताया था, थोड़ा टाइम भी ज्यादा था, उसमें बताया था कि नंदनंदन सुख जो है वो साक्षात कृष्ण ही है। नंदनंदन कृष्ण जो है साक्षात सुख है, नंदनंदन कृष्णस्तु साक्षात सुख, सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के रूप पकड़ कर आए। अब इधर जो है सुखदेव गोस्वामी और आ गए फिर धीरे धीरे, कहाँ कौन, ठाकुर जी प्रेरणा दिया और पहले हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर मीरठ स्टेशन में उतर के हस्तिनापुर जाना पड़ता 20 किलोमीटर, और हस्तिनापुर जो शहर है उसका एकदम नज़दीक गंगा का तट है, हस्तिनापुर शहर गंगा का, गंगा का किनारे किनारे थोड़ा आगे चले जाओ तो अब आएगा क्या, सुक्ताल क्षेत्र। गंगा का किनारे किनारे चले जाओ सहारे सहारे तो आपका आएगा क्या, सुक्ताल क्षेत्र, जहां सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को भगवत सुनाई
वो पवित्र क्षेत्र है, अभी भी है सुक्ताल क्षेत्र। हम बहुत बार गए और पोपा जी भी सुक्ताल क्षेत्र में बैस, वो जो सुखदेव गोस्वामी का आसन है उसमें बैठकर पोपा जी भागवत का चर्चा किए, और हमारा माफी छोटा आदमी भी थोड़ा बहुत किए जो भी है। और वो जो है उधर गंगा का ओर उत्तर दिशा होकर परीक्षित महाराज बैठ गए पयोपवेशन, कोई खाना पीना कुछ नहीं है, बिल्कुल बैठ के ठाकुर जी का चिंतन करते करते शरीर छोड़ने का विचार है। सातों दिनों का अंदर, सातों दिन तो काफी, जैसे खट्टंग महाराज का चर्चा हम किया था, वह खट्टंग महाराज का दो घड़ी बचा था, एक घड़ी 24 मिनट ना, दो घड़ी 48 मिनट, और अपना राजवेश है, अपना सब कुछ है, वो छोड़कर जाने में लग गया थोड़ा टाइम। अब बाकी जो शेष समय था उसी का अंदर ठाकुर जी का चरण में मन को प्रविष्ट कराया, और ऐसे देवता लोग को भक्त है, देवता लोग का आशीर्वाद तो पहले था ही, और बस ठाकुर जी प्राप्त हो गए। खट्टंग राजा क्या किया, इतना कम समय, इतना कम समय है, इस समय पे समय का अंदर ठाकुर जी का चरण को प्राप्त करके चले गए। अब परीक्षित महाराज जो 7 दिन बाकी है, बहुत दिन काफी, और 7 दिन का अंदर जब परीक्षित महाराज का पास सुखदेव गोस्वामी आ गए, उसका पहले तो बड़ा अफसोस किया परीक्षित महाराज, बड़ा धिक्कार दिया, अहो वयम धन्य तमा निपानम महात्मानम अनुग्रहशील राज्यम कुलम ब्राह्मणोपाद शौचाद आराध विसृष्ट बतो गर्ह कर्म बतो गर्ह कर्म। भले दुराचारी, हम तो दुराचारी है राजकुल में, आकर ब्राह्मणगण हैं, जहाँ के ब्राह्मणगण जहाँ हमारा माफी पापिष्ट है, यहाँ आना भी उन लोगों के लिए मुश्किल है, इतना पापिष्ट है, धिक्का लगाते ऐसे कह रहे हैं, अहो वयम धन्यतमा, आज हम धन्य हो गया जहाँ बन्य धन, अहो वयम धन्यतमा निपाणम महत्तमानम अनुग्रह ग्रहण ग्रहणीय शीला महत्तमानम अनुग्रहणीय शीला राज्ञाकूलम ब्राह्मण पाद शौचात आराध विशिष्टम बतो गर्ह कर्म। हमारा इधर आके आप लोग अपना चरण को दर्शन कराया, इतना बड़ा महात्मा है आप ऊंचा, तो भी पूरा व्याख्या नहीं हो पाया, समय कम है। अब उधर जाके गंगा के किनारे बैठ गया, बैठ के अभी बोल रहे हैं कि ऐसा करे जे दीजो अर्थात ब्राह्मण का ऋषि कुल का तो साफ, जो समिक मुनि, समिक वो समिक मुनि का लड़का वो जो है उसका तो अभिशाप लगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, दीजो वशिष्ठो कुहकह हैं स्तु तक्षको बा दसतु अलम गायो तो विष्णु गाथा, वो तक्षक जो है हमको दंशन कर ले कोई अफसोस नहीं है, लेकिन आप लोग संकीर्तन करो, हरि कीर्तन सुनाओ, कृष्ण गाथा गायतु गायतो विष्णु गाथा गायतो विष्णु गाथा, अर्थात कृष्ण का कीर्तन चलते रहे, और दसतु अलम खूब दंशन करे, खूब काटे हमको तखक, और गायतो विष्णु गाथा, विष्णु का कीर्तन गाते गाते हम सोरी छोड़ देंगे, कोई डर का बात नहीं। और इधर जो है सर्वे वयम, ऋषि मुनियों ने विचार बना लिया कि हम लोग ये सुक्ताल क्षेत्रों से जाएंगे नहीं, क्यों, पहले इधर जो है परीक्षित महाराज महाभागवत है, शरीर उसका छूटने वाला है, जरूर इधर ठाकुर जी का एक लीला जरूर होगा, कुछ प्रसंग आता भागवत प्रसंग। सर्वे वयम तावद तावद यहाँ अस्माह पर अस्माहे अथो कलेवरम जावद असो विहायो लोकम परम विरजस्कम विशोकम यस्सति अयम भागवत प्रधान। ये भागवत प्रधान
माँ भागवतों में अग्रगण्य जो है महाप्रधान है, वो जब तक अपना शरीर को छोड़कर ना जाए तब तक हम लोग ये जाके हिलेगा नहीं, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहें, क्योंकि यहाँ प्रसंग आएगा ठाकुर जी का हरि कथा का प्रसंग जरूर आएगा। ये इतने में क्या हुआ, परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोस्वामी आ गया, कोई बुला नहीं, अपने आप आ गया। इधर बताया परीक्षित महाराज कैसे आए, भले ऐसा जो विचार चल रहा था कैसे परम मंगल हुए, इतने में परीक्षित महाराज आ गया, सुखदेव गोस्वामी आ गया परीक्षित महाराज का सामने। तत्रावद भगवान व्यासपुत्र जद्रिच्छय गाम अटमानो अपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालैर अवधूत वेश। मतलब कैसा आया, मतलब अलक्ष लिंगो अवधूत वेश, किसी को पता नहीं ये इतना बड़ा ठाकुर जी का निजी जन है। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालैर अवधूत वेश, अवधूत वेश मतलब कोई कपड़ा पपड़ा नहीं है, नंगा बाबा, नंगा बाबा है। तत्र अभवत भगवान वैश्यपुत्र जद्रिच्छया गाम अटमन अनपेक्षक। पृथ्वी पर्यटन करते करते ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा ही इधर पहुंच गए, कहां, सुक्ताल क्षेत्र में गाम अटमानो अनपेक्षक। किसी का ऊपर इसका कोई बिल्कुल नजर नहीं है, किसी वस्तु और व्यक्तियों में। मैं ऐसा पहुंच गया वहां सुखदेव गोस्वामी, उसको बच्चा लोग सब धूली दे रहा है, धूली दे रहा है, नंगा बाबा आए गए हो, नंगा बाबा आए गए हो, बोले धूली दे रहे, बच्चा लोग को पता नहीं कि इतना बड़ा महात्मा है, बोले नंगा बाबा है, ऐसे बच्चा लोग पीछे पीछे भाग रहा है। और सुखदेव गोस्वामी आके यहाँ पहुंचे, बोलचन तत्र अभवत भगवान वैश्यपुत्र जद्रिच्छय गाम गाम अटमानो अनपेक्षक अलक्ष लिंग निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालैर अवधूत वेश। त्वाम दाष्ट वर्ष सुकुमार पदोरु करो पदे, त्वाम दाष्ट वर्षम सुकुमारो पादो करोरु बहवांश कपोल गात्रम चरवाय तक्ष उन्नसत तुल्य कर्णो सुभ्राणनम कुंभु सुजात कंठम निगूढ़ जुक्तम पृथुतुंड वक्षसम आवर्त नाभिम बलिगल उदरंच दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरत्तमाभम श्यामम सदा पिब्ब वयंग लक्षा स्त्रीनाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयो शासनेभ्य सलक्षणाज्ञा ओपि गुरुवर्चसम। बोले इस श्लोकों का माने हम थोड़ा बता दे, बोले ऐसा सुंदर देखने में जैसे लगता है कृष्ण स्वयं आया, कृष्ण का सौंदर्य और सुखदेव एक ही है। अब जब आए बोले स्त्री नाम मनज्ञ रुचिरम रुचिरस्मित मनज्ञम रुचिरस्मित न, कोई माता जी देख ले तो नजर नहीं हटा पाएगी, इतना सुंदर है देखने में। और चूल जो है, बाल जो है बिखरे हुए हैं, दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम ये घुटना तक अपना हाथ जो है, महापुरुष घुटना तक अपना हाथ चला गया, इतना लंबा है, इतना सुंदर। पृथुतुंड वक्षसम ऐसे सुपिब्ब वक्षस्थल, वक्षस्थल इतना चौड़ा, कितना सुंदर, 16 साल की उम्र है। तत्र अभवद भगवान वैश्यपुत्र जद्रिच्छय गाम अटमानो अनपेक्षक अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालैर अवधूत वेश। त्वाम दाष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरु बहुवंश कपोल गात्रम चारवाय तक्ष उन्नस तुल्य कर्णो सुब्राननम कंबु सुजात कंठम निगूढ़ जक्तम पृथुतुंड वक्षसम आवर्तनाभिम बलिगल उदरंच
दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरात्मभम श्यामं सदा पिब्बवयो अंगलक्षा स्त्रीनां मनज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयो शासनेभ्यो स्थलक्षणाज्ञा ओपी गुरुवर्चसम। जितना सारे ऋषि मुनि हैं सारे खड़ा हो गया। 16 साल का लड़का है, बच्चा 16 साल का लड़का आ गया, सारे ऋषियों का झुंडू खड़ा हो गया ऐसा। क्यों ऐसा? बोले ऐसा ही प्रभाव है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी जब आए, बाबा परबाबा भरद्वाज वशिष्ठ लेकर सारे पराशर भौमो धौमो सब खड़ा हो गया सब। क्यों ऐसा हुआ? बोले ये लोग सुखदेव गोस्वामी कौन है इसका पता था। यहां लिखा हुआ है भाई ये लक्षण अज्ञा, ये जो लक्षण है शासनेभ्यो प्रत्युत्थितास्त मुनयो हो शासनेभ्यो स्थल लक्षण अज्ञा ओपी गुरु वर्चसम। हो सके कि वो नंगा है, हो सके उसका कोई कपड़ा नहीं कुछ नहीं है, सारा शरीर धूला से मलिन है, चूल बिखरे हुए है पागल जैसा, फिर भी सारे ऋषियों मुनियों को पता है वो कौन है, इसलिए सम्मान देने के लिए खड़ा हो गए पूरा। और उसका बाद जो प्रसंग आए सायंकालीन अधिवेशन में आए, सायंकालीन अधिवेशन में अभी परीक्षित महाराज पहुंच गए। भागवत कथा का तो आनंद ही आनंद लहर चलेगा, अभी परीक्षित महाराज का सामने सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए और प्रसंग आएगा। परीक्षित महाराज अपना सर को राजा सुखदेव गोस्वामी के चरण में रखकर परमहंस गुरु आप ही मेरे को बताओ किस साधन करने से हम जल्दी से जल्दी अतः 7 दिनों के अंदर हम चले जाए, कौन सी साधन है ऐसा बताओ। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर और प्रश्नों सारे सायंकालीन अधिवेशन में दिया जाएगा ठाकुर जी का अगर इच्छा हो तो। तो इधर ही हम ये प्रार्थना लेके हमारा वचन को विश्राम दे रहा हूँ। अथो पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा वाञ्छाकल्पतरुभ्यो के पासिन्दुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।